नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, प्रियंका वाड्रा भी साथ में मौजूद हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुधवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी बेटी और पार्टी की सबसे पुरानी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ अस्पताल गई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गांधी श्वसन संक्रमण से पीड़ित हैं और आज दोस्तों अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मंगलवार से अस्वस्थ हैं। यही वजह है कि उनके बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका पार्टी की चल रही भारत जोड़ो यात्रा में 7 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली वापस लौट आए हैं। यात्रा ने मंगलवार शाम को अपने उत्तर प्रदेश चरण में प्रवेश किया है। भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 6 बजे यूपी के बागपत जिले के मवी कला से वहां रात रुकने के बाद फिर से शुरू हुई है। सोनिया गांधी जो पिछले साल COVID-19 को अनुबंधित करने के बाद से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है, कुछ महीने पहले गर्दन की जांच के लिए विदेश यात्रा भी की थी। वह कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई और बाद में उन्हें दिल्ली में राहुल, प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ देखा गया था, लेकिन आज उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई जिसके बाद सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती करा